अमित शाह जीतेगा, जेल का फाटक खुलेगा अमित शाह जीतेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद। समर्थन हम लोग दिलो जान से कर रहे हैं, चंदा एकत्रित कर रहे हैं और क्या कहते हैं उनके बैलेट उलेट वगैरह वगैरह जो भी होता है वो सब हम लोग समाज के आदमी मिलकर और उठा रहे हैं। तो क्यों मतलब अमित शाह को जेल भेजा गया? अमित शाह को क्या कहते हैं जमीन का जो मैटर था, उनके जमीन क्या कहते हैं भारत सरकार के जमीन आगे है और उनका जमीन पीछे है, उसके लेकर माने उसने आवाज़ उठाए, इसी कारण उनको फंसा कर जेल में भेज दिया। जेल में कोई नंबर है? देखिए सच्चाई का है ना, सच्चाई का कभी भी हार नहीं होता है, सच्चाई का जीत होता है। सच्चाई के लिए बोला बेटा लाल है हमारा, सच्चाई के लिए बोला बेचारे को जेल भेज दिया, हमारा बेटा लाल है कभी भी निकलेगा, जिलो जान से जान। अच्छा, से ये बताइए कि आप क्या चाह रहे हैं? अमित तो भतीजा है, बहुत दिन से जैसे कि मंदिर बना साथ दिया, जोड़े साथे रहता है, समिति में पहले से शुरुआत किया हुआ था, तैयारी करता था, जेल चल गया, वो दिन में नामांकन किया, सब लोग उसके हम साथ देंगे, सभी भाई सब मिलके, जो माता बहन सब गोड़ा मिलके अमित जी का साथ रहे, अमित जी का साथ बराबर रहे और रहेंगे। इस बार का क्या होगा? इस बार का खबर अच्छा रहेगा अमित के लिए, अमित के लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। फिर विरोधी का क्या होगा? विरोधी का तो अभी ऐसे हालत बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा है जी। बताइए किस तरह का सपोर्ट रहेगा? यहाँ जो है अमित शाह के पीछे आम जनता लगी हुई है, महिलाओं से लेकर के सबको ही लगा हुआ है। उसके जेल जाने के बाद यहाँ की महिलाएं मुझे लगता है कि आंगन में अपने जा करके लगभग लोगों की आंख में आंसू आ गया, और कल कैंडिडेट जब वो चुनाव का नामांकन दिया तो नामांकन देने के बाद ऐसा लगा कि लोगों में एक नई लहर नई उत्साह पैदा हो गई, और उत्साह के बाद लोग स्वयं जो है स्वाद से देख रहे हैं कि हर जगह घूम रहे हैं, और आपस में समाज में हर जगह यही चर्चा हो रही है कि अमित शाह को तो इस बार हर हाल में चुनाव जिताना है। पहले तो शायद वो लगता है कि कम वोटों से जीतता, इसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा मतों से और जीतता, उसका वोट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि समाज के लोगों में भी काफ़ी आक्रोश है उसके जेल जाने के कारण। जो आपको दिखाता है सच का आईना।